रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। कल 10 नवंबर है, यानी कि वो तारीख जिसका बिहार के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। कल मतगणना होगी, वोटों की काउंटिंग होगी और कल ही पता चलेगा कि कौन से विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी, कौन से विधायक जीत कर सामने आ रहे हैं और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। इसको लेकर, यानी कि मतगणना को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। हमने इससे पहले ही आपको कई वीडियोस दिखाए जहां पर अलग अलग जिलों में तैयारियां की जा रही है। वहां के जिलाधिकारी, वहां के एसडीओ, वहां के एसडीएम अलग अलग तरह से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर रहे हैं जहां पर वोटों की काउंटिंग होने वाली है। वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। अब हमारे पास तस्वीरें गया जिले की आई है, स्ट्रांग रूम किस तरह बनाया जा रहा है, गया जिले में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर मतदान के बाद अब होने वाले 10 नवंबर को मतगणना को लेकर गया कॉलेज में तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किए जाएंगे और साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे जिसकी मॉनिटरिंग जिला प्रशासन खुद करेगी। आपको बता दें कि गया जिले में 3 मतगणना केंद्र बनाए जाएंगे जहां गया कॉलेज, अनुग्रह नारायण कॉलेज और जगजीवन कॉलेज शामिल है। इन तीनों कॉलेजेस में मतगणना केंद्र बनाए जाएंगे। अनुग्रह कॉलेज और जगजीवन कॉलेज के साथ गया कॉलेज में मतगणना केंद्र होंगे। तीनों मतगणना केंद्रों पर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। इस संदर्भ में अपर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि 10 नवंबर को मतगणना होनी है, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 10 विधानसभा के 10 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो, या फिर उनके जो पोलिंग एजेंट्स होंगे वो मतगणना के कर्मी होंगे और उन लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। अपर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन ने इस विषय में क्या कुछ कहा है, विस्तार से आप सुनिए। 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा 2020 को लेकर के 230 नगर विधानसभा क्षेत्र की यहाँ मतगणना होनी है, तो उस मतगणना को लेकर के 3 चरण के सुरक्षा व्यवस्थाओं को तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से उन तीनों चरणों से गुजरने के बाद ही कोई जो मतदान कैंडिडेट के जो अभ्यर्थी हैं या फिर जो पोलिंग एजेंट हैं और इसके अलावा जो हमारे मतदान मतगणना के जो कर्मी होंगे उन लोगों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों के लिए अलग अलग जो प्रवेश द्वार हैं, निकास द्वार हैं, उनकी व्यवस्थाएँ की गई हैं। सर, मतगणना केंद्र कितने जगह बनाए गए हैं? सर, कुल 10 विधानसभा के लिए 10 मतगणना केंद्र हैं, लेकिन इन मतगणना केंद्र को 3 कॉलेजेस में शिफ्ट किया गया है। सुरक्षा क्या इंतजाम है? सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। तो गया में 3 अलग अलग कॉलेजेस में 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। वोटों की गिनती होगी। जितने भी पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह से तैनात हो चुके हैं, अपनी कमान संभाल चुके हैं। कल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। जिन्हें परमिशन नहीं होगी उन्हें अंदर बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। जो भी पदाधिकारी होंगे या फिर पोलिंग एजेंट्स होंगे उनको ही अनुमति होगी कि वे अंदर जाकर वोटों की गिनती करें और इन सभी चीजों पर निगरानी रख सके। देखने वाली बात यह होगी कि कल 10 तारीख को क्या नतीजे निकल कर आते हैं, गया की 10 विधानसभा सीटों से कौन से विधायक चुनकर आते हैं, जनता का भरोसा किन पार्टियों पर ज्यादा दिखता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।